हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। क्या ये बेस बजा सकता है? बिल्कुल बजा सकता है। क्या ये टॉप बजा सकता है? बिल्कुल बजा सकता है। आज हम लोग देखने वाले हैं आहूजा का BTZ 10000 एम्पलीफायर। इसको हम लोग आज हर तरीके से टेस्ट करेंगे, देखेंगे, खोलेंगे, बॉक्स में से निकालेंगे, रिव्यू करेंगे। ये एम्पलीफायर को हम लोग आपके सामने रखेंगे और इसे बजाएंगे। सारी टाइप की टेस्टिंग मैं आप लोगों के सामने करूंगा और इसके सारे फीचर्स भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर से बॉक्स पैकेजिंग आती है इस एम्पलीफायर के, कुछ इस टाइप की, जिस पे इसका मॉडल नंबर लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है और एक बारकोड दिया होता है। इस ऊपर के बॉक्स को खोलने के बाद हम लोग इसके अंदर और एक बॉक्स प्राप्त करने वाले हैं। ये बॉक्स इसीलिए है ताकि अगर ट्रांसपोर्ट में किसी चीज को धक्का लगे तो ऊपर का बॉक्स ही खराब हो, अंदर एम्पलीफायर तक चोट ना पहुंचे। आप लोग देख सकते हैं अंदर वाला जो बॉक्स है वो पूरा का पूरा ब्रांडिंग से भरा हुआ है। ऊपर से नीचे तक इसमें आहूजा लिखा हुआ है। इस बॉक्स को हम लोग थोड़ा ऊपर उठा के रख देते हैं हमारी एक कैबिनेट के ऊपर, ताकि इस बॉक्स का थोड़ा सा लुक मैं आपको दिखा सकूं। जनरली जो बाहर के आउटर बॉक्सेस होते हैं उन पे सारा लगभग स्पेसिफिकेशन लिखा आता है कि एम्पलीफायर के अंदर वोल्टेज कितना है, उसका वेट कितना है, उसका MRP कितना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपका ध्यान खिंचवाना चाहूँगा ब्रांडिंग पे। साइड में बड़ा मोटा सा BTZ 10000 लिखा हुआ है और उसके साइड में आहूजा का लोगो दिया हुआ है। साइड से अगर हम लोग देखते हैं तो एक हैंडल दे रखा है, फिर से वही सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं जैसे कीप ड्राई और वगैरह वगैरह। इसमें MRP आप देख सकते हैं, प्राइस मुझसे पूछिएगा मत, आज की डेट में ये MRP चल रही है। पीछे और आगे से सेम ही दिखता है, साइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख जाएगा। एम्पलीफायर का साइज काफी बल्की है, 2 जोन का ये एम्पलीफायर होता है। BTZ का मतलब निकलता है बूस्टर 2 जोन। ये एम्पलीफायर जैसे कि आउटपुट आप देख सकते हैं 4 ओम्स पे पर चैनल 750 वॉट और 8 ओम्स पे 500 वॉट पर चैनल ये आउटपुट देता है विद 10% ऑफ डिस्टॉर्शन। अब इस बड़े से बॉक्स को खोल लेते हैं हम लोग। नीचे से पहले कैबिनेट हटा लेंगे और अब इस कैबिनेट को हटाने के बाद इस बॉक्स को हम लोग खोल लेंगे। इसके ऊपर भी पिंस लगी होती हैं ताकि ये कंप्लीटली सील्ड रहे। इंडिया के बहुत सारे कोनों में ये एम्पलीफायर आपको जनरली देखने को मिलता है। ये एम्पलीफायर जो है इजी गोइंग है, यानी कि आप इसे किसी को भी देख के बिठा दीजिए, वो प्रोग्राम करके आएगा आपका। क्योंकि इसके बॉक्स पैकेजिंग को खोलते हुए दिखाने में काफी समय लग रहा है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। बॉक्स खुल चुका है, इसके अंदर थर्माकोल रखा हुआ है, इसका एक वारंटी कार्ड है जिस पे वो ही सीरियल नंबर लिखा है जो एम्पलीफायर पे लिखा आएगा, जो बॉक्स पे लिखा आता है। अभी इस वाले एम्पलीफायर को बॉक्स से निकालना एक मशक्कत भरा काम है, इसीलिए 2 लोग लगते हैं क्योंकि 40 किलो का वेट है। अब फिर से इसे एक बार ऊपर कैबिनेट के ऊपर रख देते हैं और इसका पॉलिथीन निकाल लेते हैं। और पॉलिथीन निकालने के बाद आप लोगों को एक शानदार सा क्लोज लुक मैं इस वाले एम्पलीफायर का दिखाता हूँ, ताकि आप लोग इसको डिटेल रूप से देखिए और उससे समझिए
कि ये ओरिजिनल कैसा दिखता है, क्योंकि ये इंडिया भर में मिलता है। So guys, this happens to be Ahuja BTZ 10,000। ये एक टू जोन का बूस्टर एम्पलीफायर है। इसका वेट 40 केजी है। इसमें दो सामने हैंडल, दो वॉल्यूम कंट्रोल के बटन, बेस ट्रबल के बटन, ओवरलोड के स्विचेस, ऑन ऑफ स्विच, यूनिट और स्पीकर का सिलेक्टर स्विच, जोन वन जोन टू यानी कि जोन ए बी के स्विचेस, स्टीरियो मोनो का स्विच, सभी कुछ इसमें दे रखा है। साइड से आप लोग देखिए, इससे ऊपर एक हैवी का टैग लगा हुआ है, क्योंकि ये वाकई हैवी है। इसमें टोराइडल ट्रांसफार्मर होता है। ऊपर से आप इसे काफी खुला हुआ देख सकते हैं, अंदर के पार्ट्स आप लोग देख सकते हैं। ये हीट सिंक का भी काम करता है, जो खुला हुआ पोर्शन है वो। काफी बल्कि बड़ा सा एम्पलीफायर, और सामने इसने कंपनी ने एक और बार ब्रांडिंग कर रखी है स्टिकर लगा के। हीट सिंक साइड में आप देख सकते हैं, इसका एक पैर नीचे जा रहा है, क्योंकि हमारा बॉक्स थोड़ा सा छोटा है इसकी साइज से, यानी ये काफी बड़ा है। पीछे की साइड पे आप लोग कई सारी डिटेलिंग देख सकते हैं। इसका एक बार लुक देखिए। एक्चुअली इसके ऊपर ना पाउडर कोटिंग किया जाता है कलर के टाइम पे, ताकि ये जंग न खाए एम्पलीफायर की जो बॉडी है कभी भी। पीछे से लुक कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको आउटपुट इनपुट दिख रहे हैं, हालांकि ये पीछे की साइड में इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप लोग सामने बैठ के जब ऑपरेट करें तो पीछे की वायर्स को या केबल्स को हाथ लगे और हिले ऐसा ना हो। इसी वजह से सारा सिस्टम पीछे की ओर डायरेक्ट किया गया है। दूसरी साइड से हम लोग आते हुए देखते हैं कि ऊपर एक बड़ा सा हैंडल दिखता है। ये दो हैंडल हमको दिए जाते हैं ताकि इस एम्पलीफायर को आप आराम से उठा सकें दो लोग मिलके। सामने भी दो हैंडल दिए हुए हैं। इसकी सारी लुक ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि इस मॉडल का कॉपी काफी कम होता है, लेकिन ध्यान देना जरूरी है। ये यूनिट या स्पीकर दोनों चलाने के यूज में आ सकता है, क्योंकि ये इंडियन एम्पलीफायर है। इस पे आप सबवूफर या डुअल 15 या मॉनिटर वो भी चला सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे बड़ा मोटा सा ऑन ऑफ स्विच दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ दो ओवरलोड स्विच दिए हुए हैं, चैनल जोन ए का और जोन बी का। यहाँ ऑन हो जाएंगे दोनों चैनल अगर ये ठीक काम कर रहा होगा तो, और ओवरलोड दिखाएगा अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो। ये इंडिविजुअल चैनल का भी ओवरलोड दिखा सकता है, यानी एक चैनल आपका चल रहा होगा और एक पे ओवरलोड दिखा दे, ऐसा भी हो सकता है। इसमें बीच में ये बटन है स्टीरियो मोनो करने का। मोनो मतलब जो सॉकेट मैंने आपको पीछे से इनपुट करने के लिए दिखा रहा हूँ वो वाला, और स्टीरियो उसके भी मैं पीछे आपको सॉकेट दिखाने वाला हूँ। स्टीरियो मतलब आपको दोनों चैनल को इनपुट देना पड़ेगा अलग अलग, तभी जाके दोनों चैनल अलग अलग आउटपुट देंगे। मोनो मतलब आप एक ही पिन पे दोनों चैनल को इनपुट दे देंगे, दोनों सेम बजेंगे। वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से रहेगा दोनों चैनल का, उसका बेस ट्रबल यहाँ से खुलेगा, और आप ड्राइवर यूनिट या स्पीकर बॉक्सेस का सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। ये टेस्टेड का कार्ड है जो कि हर एम्पलीफायर पे Ahuja के लगा होता है, क्योंकि वो वहाँ से चेक होके आता है, ऐसा कंपनी का बोलना है। ऊपर में थोड़ा सा नज़र देखते हैं हम लोग घुमा के। यहाँ ये आप देख सकते हैं, ये हॉलमार्क का स्टिकर लगा हुआ है, इससे ओरिजिनलिटी की पहचान होती है। और यहाँ हैवी लिखा हुआ है। ये राउंड टोराइडल ट्रांसफार्मर देख सकते हैं आप लोग, और साइड में फिर से हीट सिंक दिखाई आएगी आप लोगों को। इसमें जोन ए और जोन बी के लिए बटन्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये दबा के आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं जोन ए या जोन बी के लिए। ये बटन हालांकि ज़रूरी इसलिए भी हैं कि अगर एक चैनल में प्रॉब्लम आ जाए और उसमें बुंग सी आवाज़ आने लगती है, तो वो अगर बंद करनी है तो आप यहाँ से बंद कर सकते हैं उस चैनल को। ये बेसिकली ये पावर सप्लाई का ही बंद हो जाएगा वहाँ से, तो उसमें से आवाज़ आना बंद हो जाएगी।
तो सबसे पहले एक छोटा सा इसका मैं आपको पॉइंट समझा देता हूँ कि जैसे कि आप वॉल्यूम के बटन देख रहे हैं, इस पे बेस ट्रबल के बटन आपको साथ में दिए हुए हैं। ये एक अनयूजुअल सा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये आपकी गेन बढ़ाएगा यानी वॉल्यूम बढ़ाएगा, तो ये भी आपके वॉल्यूम बढ़ाएंगे, लेकिन इन दोनों का एक पर्टिकुलर तरीका है। ट्रबल का जो बटन है, जो वॉल्यूम कंट्रोल है, वो 10 किलोहर्ट्ज यानी 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को 10 डीबी तक ऊपर उठाता है। यानी यहां से 0 डीबी, यहां से 10 डीबी तक आप उसे उठा सकते हैं सिर्फ 10 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को। वैसा ही बेस की फ्रीक्वेंसी को, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को 0 डीबी से 10 डीबी तक आप उठा सकते हैं बेस के बटन के थ्रू। तो ये बटन इसमें अटैच्ड है, आप इसे बिना क्रॉसओवर चलाएंगे तो भी आपको इसका इफेक्ट अच्छा ही दिखेगा। चलिए आगे, अब इसे ओपन करके देखते हैं और आगे की वीडियो एंजॉय करते हैं। इसका पावर केबल जो है वो 16 एम्पियर का होता है, और इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइन इन लाइन आउट के पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो है ये 1 वोल्ट सप्लाई वाले हैं, और ये जो है ये 200 एमवी वाले सप्लाई वाले हैं। इसका शॉर्ट में मीनिंग मैं ये बता सकता हूँ कि ये जितना काम करते हैं इसमें वॉल्यूम जितनी आती है, इसमें उससे कम आती है। आप अगर लाइन इन में इनपुट करते हैं तो आपके बेस ट्रबल के बटन काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा और वो भी वॉल्यूम कम होगा। ये ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि 50% का लगभग फर्क आ जाता है इसमें और इसमें वॉल्यूम देने में। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे इसमें लाइन आउट के दो ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 वोल्ट वाला यहाँ पे जोन बी के लिए है, जोन ए के लिए मतलब राइट और ये लेफ्ट। यहाँ पे लाइन इन दिया हुआ है यानी कि इनपुट के लिए, यहाँ से आउटपुट निकलेगा, यहाँ इनपुट आएगा। इनपुट में ये भी 1 वोल्ट है, ये भी 1 वोल्ट है, ये जोन बी का, ये जोन ए का, मतलब ये राइट चैनल, ये लेफ्ट चैनल, ये इनपुट वाले सॉकेट। अब हो गया आउटपुट सेक्शन, क्योंकि ये जो है ये स्टीरियो सॉकेट्स हैं। अब हम लोग मोनो की बात करते हैं, ये वाले की। मोनो में देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैरेलल पैरेलल, यहाँ से आपको इनपुट करना है, दोनों चैनल एक ही साथ बजेंगे। ये 200 एमबी का होता है, यानी कि ये आप समझ के चलिए कि इसमें वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा आएगी आपको। ये ऑक्सिलरी जैसा काम करता है, ये माइक्रोफोन जैसा काम करता है, यानी बहुत बड़ा अंतर नहीं है। स्टीरियो म्यूजिक और 200 एमबी, यहाँ से भी आप स्टीरियो इनपुट कर सकते हैं 200 एमबी, जैसा कि यहाँ से कर रहे थे ना आप इनपुट, वैसा आरसी पिन से भी आप इनपुट कर सकते हैं। यहाँ टीएस पिन लगती है आपकी, उसके बाद यहाँ 36 वोल्ट डीसी बैटरी लगती है। बैटरी पे हम लोग इसे कभी चला के नहीं देखते हैं। यहाँ फ्यूज दिया हुआ है नीचे, उसके नीचे यहाँ पे ओरिजिनल का टैग लगा हुआ है आहूजा रेडियोस का, जिसपे सीरियल नंबर लिखा हुआ है। ये वही सीरियल नंबर है जो इसके वारंटी कार्ड पे है, जो इसके बॉक्स पे है, जो बिल पे आएगा और जो सभी तरफ दिखेगा। ये जोन बी, ये जोन ए, ये आउटपुट चैनल्स हैं। यहाँ से कॉमन 70 वोल्ट 100 वोल्ट का लाइन निकलता है, लाइन मैचिंग जिसको बोलते हैं अपन। यहाँ से कॉमन 70 100, ये जोन बी का लाइन मैचिंग निकलता है। यहाँ से कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स, ये 2 ओम्स पे काम नहीं करता है, तो ये कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स चैनल बी के लिए, ये चैनल ए के लिए कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स। ये अर्थिंग का है, और ये इसका लाइट का मोटा सा केबल है, ये भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे छोटे कटर देख, ये देखिए ये मोटी सी पिन है इसकी, ये इस टाइप का केबल है। केबल थोड़ी और मजबूत या मोटी होनी चाहिए थी, लेकिन ठीक है, केबल मेरे ख्याल से ये किसी कंपनी की होगी। यस, ये फाल्कन की है, करेक्ट। ये देखिए आप, यहाँ पे आप थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कैमरा को, फाल्कन केबल, ओके। अब इसके पीछे यहाँ पे कंपनी ने ब्रांडिंग कर रखी है, मॉडल नंबर लिखा है, कॉशन लिखा है, और इसके साथ ये सिलिका जेल भी आता है। अब इसे हम लोग हटा लेते हैं। बैक साइड पे हीट सिंक भी आप देख सकते हैं, काफ़ी मोटी तगड़ी ट्रांजिस्टर फिटेड वाली हीट सिंक है, क्योंकि इसमें फैन नहीं है, इसीलिए सारा दारोमदार जो है वो हीट सिंक पे आ टिकता है। अगर ये हीट सिंक ना हो तो एम्पलीफायर गर्म होके इसमें प्रॉब्लम आ जाए,
ये हीट सिंक है जिसके वजह से ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम कम आती है। एक बार आप लोग इसका स्पेसिफिकेशन पढ़ लीजिए, इसमें सारी डिटेल साइड में दे रखी है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसकी स्पेसिफिकेशन देख ली हो, पढ़ ली हो। अब इसको एक बार जोरदार टेस्ट करते हैं, अपने हेडफोन लगा लीजिए। तो आइए अब मैं आपको कनेक्शंस करके दिखाता हूं। सबसे पहले तो इस एम्पलीफायर को करते हैं ऑन। यहां से ये एम्पलीफायर हो गया है ऑन हमारा, और मैं अपना माइक ऊपर रख देता हूँ जो कि ऑडियो रिकॉर्डिंग के काम में आएगा। उसके बाद हमने ये दोनों वॉल्यूम जीरो रखे हैं, इसे हम लोग मोनो मोड पे चलाने वाले, यानी एक इनपुट करके दोनों आउटपुट निकले और दोनों चैनल हमने ऑन कर दिए। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इसे वायर से कनेक्ट करता हूँ। ये मैं इसे केबल लगा लेता हूँ। आप केबल देखिए मैं कहाँ लगा रहा हूँ, पीछे। ये मैं इसके पैरेलल मोड में लगा रहा हूँ, थोड़ा पीछे से ले लेना। और यहाँ से मैं इसको फोन को कनेक्ट करता हूँ। ये मैं पहले आपको रॉ ऑडियो सुना रहा हूँ कि कैसा बजता है विदाउट कुछ लगाए। ये यहाँ से मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ, आप लोग सुनिए। ये NCS का सॉन्ग है, नॉन कॉपीराइट। Feelings. It's like I can't work on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I'm never dreaming. Oh yeah, I let you deeper than I let you. यहां से आप लोगों ने सॉन्ग सुन लिया है, और अब इसको हम लोग मिक्सर पे कनेक्ट कर लेंगे। एक बार मिक्सर कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ से फोन को निकाल देना है, और फोन को हम लोग साइड रख देंगे अभी। मिक्सर एक बार मैं आपको लगा के दिखाता हूँ इस पे। हम लोग इस पे आज चेक करने वाले हैं स्ट्रेंजर का SXR6 मिक्सर, जो कि एक 6 चैनल का मिक्सर है, क्योंकि माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी आती है वो आप लोग इसके थ्रू ही समझ सकते हैं। यहाँ मैंने इसे प्लग इन कर दिया है, यहाँ से इसका बटन ऑन ही था, और इसे मैं जैक पिन के थ्रू कनेक्ट करूंगा। यहाँ से मैंने लेफ्ट वाले चैनल में जैक पिन लगा ली है, और यहाँ से मैं इसको फिर से मोनो में ही कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि स्टीरियो करने के लिए मुझे 2 इनपुट देने पड़ेंगे, लेकिन मैं 1 इनपुट पे इसको दोनों चैनल को चला सकता हूँ पैरेलल रख के। यहाँ से अब मैंने इसके सबसे पहले तो मैं वॉल्यूम खोल दूंगा आधे आधे, और फिर यहाँ से मुझे वॉल्यूम खोलना है चैनल
नंबर वन का मैंने माइक वन का वॉल्यूम खोला है और आप लोग देख सकते हैं मैं काफी सामने खड़ा हूँ उसके स्पीकर्स के, तो आप लोग वो भी आवाज सुन सकते हैं। यहाँ से आप इसका बेस ट्रबल कंट्रोल कर सकते हैं, इसी से आपको मिक्सर हो ना हो आप बेस ट्रबल एम्पलीफायर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। पावर एम्पलीफायर में ये फीचर हमको नहीं मिलता है। इसका बेस मैं थोड़ा कम कर देता हूं क्योंकि मुझे यहाँ वॉल्यूम थोड़ी ज्यादा खोलनी पड़ेगी। यहां से थोड़ा मैं ज्यादा ही नजदीक हो गया ना, तो यहां से अब मैं इसमें इको खोलता हूँ। इको के बाद भी आप देख सकते हैं आवाज काफी अच्छी आ रही है, और इस टाइप की आवाज जनरली इतना नजदीक रखने के बाद मैं इसका वॉल्यूम और खोल नहीं सकता हूँ क्योंकि फिर विसल आ जाएगी, इसीलिए मैं इतने आवाज में इसको चेक कर रहा हूँ। ये मिक्सर के बाद भी आपको आउटपुट काफी देता है। एक चीज है कि इसमें मिक्सर के बाद गेन काफी बढ़ जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मिक्सर को अगर मैं ब्लूटूथ से कनेक्ट करके इसमें से सॉन्ग बजाऊंगा तो इसमें आधा वॉल्यूम रखने के बाद ही बहुत ज्यादा आवाज हो जाएगी, पहले से भी ज्यादा, क्योंकि वो लाइटिंग इंडिकेटर पे ही हमको मालूम पड़ जाएगी कि कितनी वॉइस आ रही है। अब एक बार इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आ गया है अभी इसका ब्लूटूथ का कनेक्शन। क्या त्योहार, तीनों में आप इसे यूज कर सकते हैं। इस एम्पलीफायर पे आप लोड डाल सकते हैं डुअल 15 का या बेस का, चला सकते हैं और आराम से चेयर लेके बैठ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।